उसके लिए मेरे पास तकरीबन 1 किलो आलू हैं, जिनको मैंने थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल करके मैश कर लिया है। मेरे पास 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टीस्पून मेरे पास लाल मिर्च पाउडर है, 1/2 टीस्पून मेरे पास हल्दी है, 1/2 टीस्पून मेरे पास लाल मिर्च है, 1 टीस्पून जीरा है और 1 टीस्पून मेरे पास खुश्क धनिया, जिनको मैं थोड़ा सा मोटे मोटे बॉईल है, और 1 टेबल स्पून प्याज मुझे चाहिए एक मीडियम साइज का चॉप किया हुआ, सब्ज मिर्च मुझे चाहिए तकरीबन 1 टेबल स्पून, हरी प्याज है मेरे पास तकरीबन 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून मेरे पास धनिया है, पुदीना है सॉरी, और धनिया है मेरे पास, एक अंडा चाहिए होगा मुझे, 3 से 4 टेबल स्पून मुझे चाहिए होगा बेसन। सबसे पहले मैं आलू में ऐसे ही मैं इसको बेसन को डालूंगी और इसको भूनूंगी। ये देखिए अब इसको मैं उतार लूंगी, ये हमारा मैं उठाती जाऊंगी इसको, इसकी टिक्कियां बना के इस तरह से पहले बेसन की कोटिंग करूंगी। फिर अंडा लगाऊंगी, अंडा ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तब भी लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना चाहें तब भी लगा सकते हैं। और इस तरह मैं फ्राई करती जाऊंगी, सब मैं बना लेती हूँ तो फिर सब फ्राई करते जाएं। निकालती जाऊंगी प्लेटर में,
जी, तो ये अब हमारी आलू की टिक्कियाँ तैयार हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये आपकी हमारी डिश कैसी लगी। और दुआओं में याद रखिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नई डिश के आने तक आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।